90s के दशक की पुरानी रनों अब इंडियन मार्केट में दोबारा से कमबैक करने वाली है। पुरानी राजदूत बाइक अपने पावर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए काफी फेमस थी, लेकिन ये बाइक 2005 तक डिसकंटिन्यू हो गया था। रीजन ये था कि इसमें 2 स्ट्रोक के इंजन लगे हुए थे जो काफी पॉल्यूशन दे रहा था और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन अब हो सकता है 2025 के स्टार्टिंग तक ये कंपनी इस बाइक को दोबारा से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे और इस बार सेम 90s के दशक के ही तरह फेमस SHL 175cc के बाइक के तरह ही इसमें इंजन यूज करने वाली है, जो कि 175cc का ऑयल कूल्ड इंजन यूज होगा इसमें और साथ ही ये काफ़ी बेहतर और रिलायबल भी होने वाली है। ये बाइक आपको 16 BHP का मैक्सिमम पावर और 17 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देगा। इसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्लेम कर रही है इंजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 175cc का है, कावासाकी ने भी एक 175cc W175 का निकाल रखा है और कंपनी क्लेम कर रही है कि 40 kmpl का एवरेज आपको दे देगा। जहाँ पहले के बाइक्स में आपको सिंपल कंसोल मिल रहे थे, वहीं इस बाइक में आपको मॉडर्न टाइम फीचर्स के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अपडेटेड राजदूत में आपको हेलोजन लाइट सेटअप, स्लीपर क्लच, USB चार्जिंग पॉइंट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सेल्फ स्टार्ट जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी काफ़ी बेहतर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जैसे डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, साइड स्टैंड इंजन कट सेंसर। जब तक कि आपका स्टैंड मतलब उठेगा नहीं, ये आपका बाइक स्टार्ट नहीं होने वाला। और ये अब लेकर इन सबको लेकर प्राइस को अगर देखें तो ये आपको 170,000 से 180,000 के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। हालांकि कंपनी ने इस बाइक के सारे फीचर्स अभी रिवील नहीं किए हैं, लेकिन इंटरनेट पर रिसर्च करने में जो भी चीज़ जानकारी हमें मिली उसे हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और जैसे इस बाइक के बारे में और भी कोई अपडेट मिलेगी, हम ज़रूर आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।